नारनौन में मोठ राजबाह टूटने से किसानों की करीब 50 एकड़ जमीन में पानी जमा हो गया, जिससे किसानों की वहां लगाई गई धान की फसल खराब हो गई। किसानों की माने तो राजबाहे को पक्का किए जाने के समय अधिकारियों से वहां लगे पीपल के पेड़ को हटाने की अपील की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। यही कारण है कि जब भी राजबाहे में पानी आता है तो लीकेज के कारण पानी उनके खेत में जमा हो जाता है। इस बारे में जब भी अधिकारी को शिकायत दी जाती है तो वह केवल जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। किसानों ने आरोप लगाया कि 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे उन्हें अपनी फसल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। 1.5 साल से लगातार जिस टाइम ये पक्का बनाया है, दोबारा से पक्का बनाया है, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक लगातार जितनी बार पानी आया है उतनी बार मेरे खेत में इसी जगह पर या फिर उस जगह पर ये दो जगह हैं, हर बार जब टूटा है। और जिस टाइम बनने लग रहा था उस टाइम मैंने SDO से भी कहा था, अपने जेई से भी कहा था कि भाई इस या तो इन पौधों में निकलवा दो, अपने पीपल के 3 पौधे हैं थोड़ी सी जगह में, या तो इनको निकलवा दो नहीं फिर यहाँ पर बढ़िया मसाला डलवा दो। दोनों में से कोई काम नहीं कर रखा, ये कच्चा छोड़ दिया। ये बात बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अभी अथॉरिटी आओगी, पिपल निकलवाएंगे, पौधे निकलवाएंगे। मैं फॉरेस्ट वालों के पास में कंप्लेंट भेज रखी है, चंडीगढ़ भेज रखी है, लेकिन जिस टाइम रजबाह उठता उस टाइम ना तो कोई यहाँ पर जई आता है ना बिल्डर आता है। अब भी 3 घंटे हो गए मेरे फ़ोन करे हुए, SDO धमका रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे पास जई नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है। मैंने कहा उसको SDO साहब को, मैंने एक बात बोली थी कि आप मेरे को सामान दे दो, मैं इलाज करवा लूँगा अपना, आप कर लूँगा। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास में कोई बजट नहीं है इतना, बगैर कोई अथॉरिटी के हम कोई सामान ही नहीं दे सकते। 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल में मैंने कोई बचत नहीं काटे। देखिए मेरी हर फसल में ख़राब हो जी, अभी धान बो रखी है इसके अंदर, मेरा लगभग 12-13 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, वो सारा चौपट है जी, दोबारा फिर मैंने खर्चा करना पड़ेगा जी। नुए इस ढंग गेहूँ में था, गेहूँ मेरी 4 किले में 45 मन गेहूँ नहीं हुई जी, 4 किले में 1 किले में लगभग 60 मन गेहूँ हो जाए जमींदार के, मेरे 4 किले में 45 मन नहीं हुई जी। नुए धान में है, नुए ईब है, बुआरा कर दिया बुआरा, ईब आगे मेरी पौध है, पौध भी ख़त्म हो जाएगी, और ईब जो इसमें बो रखी है वह तो ख़त्म होनी ही होनी है जी। अब क्या चाहते हैं? अब सब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा समाधान हो जाए, अब महकमा थोड़ा ध्यान कर ले कि ज़्यादा कोई खर्चे की बड़ी बात नहीं है, अगर इसमें थोड़ा बहुत मसाला अगर डलवा देते हैं तो ये परमानेंट बंद हो जाएगा। पौधे जब ये निकलवाएंगे निकलवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मसाला डलवा देते हैं तो ये बार बार ये जो लीकेज की समस्या ये मिट जाएगी जी। भाया जी आए बार टूटे जी, चाहे गेहूँ हो, चाहे जीरी हो, चाहे किमें हो, ये पीपल की जड़ सेध हैं जी इसने, ये पीपल महकमा ने कई बार कह लिया ना कटवा दे और ना बंद कर दे। SDO द्वारा फ़ोन कर लिया, बोला मेरे पास जे ही नहीं है, जे ही कह दे मेरे पास बिलदर नहीं है, समस्या या जमींदार की कड़ा तो बुआरा करेगा, तूड़ी पड़ी बेचारे की गेहूँ पड़ी, गरीब आदमी है जी, इसमें जीरी बो रखी है, सारी जीरी मरेगी। न्यूए यूए हाल गेहूँ काट रखी हूँ जित गेहूँ में बना है, और जीरी कटा हुआ हुआ जित न्यूए जीरी में बना है, और चन्ना की जरूरत कटे हैं फिर नु कह देंगे तो हमने तोड़ रखा है। यह समस्या है जी, सारा महकमा लग सारा लग कह लिया, कोई नहीं सुनाई करता कितने भी, 5-7 साल यू खेत मन ने बोया, जित भी मन ने भी खूब कार्रवाई करी, कया जब लग भी कोई कुछ नहीं होया जी। ये भी खुद चाचे के लड़के हैं, ये आप बोन लग गए, ये भी कुछ नहीं कार्रवाई। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो सही जी होने लग रहा जी, बुआरा नहीं आता तो नुकसान ही नुकसान है, ये 50-60 हज़ार रुपये किले के यू का यूँ खाली खेत रह जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि पेड़ों के कारण पानी आते ही रजबाह हमेशा ही टूटता रहेगा। भारत 9 के लिए नारनौन से हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।